रूप से सामाजिक रूप से बहुत ही उर्वर धरती समस्तीपुर से आपके नुमाइंदे भाई अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में यह विशाल जनसैलाब और इसमें मौजूद महागठबंधन में शामिल सभी घटक दल राजद कांग्रेस सीपीआई सीपीएम और सीपीआई एमएलके सभी नेतागण कार्यकर्तागण इस मती जनसभा में मौजूद मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा लेकिन आपके बीच कुछ बातें रखना चाहता हूं मुख्तसर, और वो ये कि जिस तरह से लालू राबड़ी शासन काल में बिहार में 7 विश्वविद्यालय खुले, वो 3 दिन पहले ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष और देश के सबसे कम उम्र के होने वाले बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर मिथिलांचल में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय खोलने को जा रहे हैं सरकार बनने के साथ। और ठीक वैसे ही राष्ट्रपति दिनकर की धरती बेगूसराय में उनके सम्मान में भी एक यूनिवर्सिटी कायम करने का काम किया जाएगा और इन दोनों विश्वविद्यालयों का जो मेयार है वो राष्ट्रीय स्तर का होगा, वो JNU DU AMU जामिया के स्तर का होगा जिसमें गरीब गुरबों के बच्चे भी सब्सिडाइज रेट पर बेहतर लाइब्रेरी का एक्सेस करेंगे, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी होगी और सभी जाति धर्म के लोग जो जरूरतमंद है जो कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं उनको JNU DU नहीं जाने की जरूरत होगी बल्कि समस्तीपुर और बेगूसराय में ही उनको गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हासिल होगा। दोस्तों कहना नहीं होगा कि लालू राबड़ी शासन काल में जो किसानों की बेहतर स्थिति थी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था, आज आप बिहार में पता कर लीजिए कि 1850 रुपये प्रति क्विंटल मकई की खरीद कहाँ होती है, कहीं नहीं। किसानों के बिल्कुल सीने पर रोलर और बुलडोजर चलाने वाला किसान विरोधी बिल यह सरकार लेकर केंद्र की आई और उसके जो पारंपरिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम था बटाईदारी का वह भी खतरे में पड़ने जा रहा है। जो गेहूं और मकई और धान है उसको आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर कर दिया गया है, मतलब कालाबाजारी होगी, मुनाफाखोरी होगी, जमाखोरी होगी और इसके खिलाफ हम सब लोगों को एकजुट होकर इस सरकार को बेशर्म हुकूमत को उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है और एक नौजवान एक जवान एक प्रजावान और एक विवेकवान मुख्यमंत्री को बिहार की हुकूमत को सौंपनी है। साथियों तेजस्वी जी ने ऐलान किया है और ये बिहार में पहली मर्तबा हो रहा है कि सरकारी महकमे जितने हैं उसमें जिस भी विभाग में वैकेंसी होगी उसका फॉर्म भरने के लिए आपसे सरकार कोई पैसा नहीं लेगी, इन बेरोजगारों से नौजवानों से और आपको परीक्षा केंद्र तक ले जाने का जो खर्च है वह भी सरकार ही वहन करेगी। ये जो 10 लाख अस्थायी और पक्की नौकरी का वादा है ये कोई मोदी की तरह पकौड़ावादी मॉडल नहीं है रोजगार का, न तो नीतीश कुमार की तरह झंझोरावादी मॉडल है बल्कि तेजस्वी यादव जी का ठेठ बिहारी लालूवादी मॉडल है जिसमें स्थायी नौकरी होगी। इसमें साथ में आपसे एक ही विनती है कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब को आपने जिस मोहब्बत से 2010 में जब राष्ट्रीय जनता दल के मात्र 22 विधायक थे तब भी अपनी मोहब्बत से उनको नवाजा था, यहाँ से जिताकर भेजा था, वो आप किनारे ही लगातार 2 बार से लड़ रहे हैं। इस बार आप हैट्रिक लगवाइए, उनको जिताकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजिए, वो आपके क्षेत्र की नुमाइंदगी करेंगे, संवर्धन करेंगे और आपकी उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि घर और परिवार में अगर एक नालायक बेटा बेटी आ जाए तो पहला काम करता है कि माँ बहन का लेवर उसका गहना उसका आभूषण बेचकर जुआ खोरी नशा खोरी हाल होता है, लेकिन जब मुल्क का बादशाह ही नालायक हो जाए तो वो क्या क्या देश का बेचेगा आपको सामने। प्रदेश जहाँ लगातार 5 साल तक 90,000 करोड़ मुनाफा देने का काम हमारी आबरू सियासत जनाबे लालू प्रसाद जी ने देने का काम किया, एक एक करके एयर इंडिया बेचते जा रहे, HAL बेचते जा रहे, जितने सरकारी उपक्रम है उसका सौदा करते जा रहे, आज भी इस देश के अस्मिता और अखंडता पर खतरा है और इसका समर्थन हमारे नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी 10 लाख रोजगार कहाँ से देंगे नौकरी, तो आपको बताऊं कि बिहार सरकार का जो बजट है वो 2,11,000
हजार सात सौ इकसठ करोड़ का है और इसमें खर्च कितना होता है? मात्र 60% राशि, 40% राशि सरेंडर कर जाती है। मतलब 80,000 करोड़ रुपया जो जनता का है वह सरकार खर्च करने में ही नाकाम होती है। आपको मालूम होगा कि अपना चेहरा चमकाने के लिए गरीब गुरबों का पैसा 500 करोड़ रुपया से विज्ञापन पर नीतीश कुमार खर्च करते हैं। आपको यदि जानकारी हो कि 24,500 करोड़ जो जल जीवन हरियाली है तो इसमें पानी की तरह पैसा आप जान रहे हैं कि शराबबंदी हो, शराबबंदी कुदरती फरमान की तरह है और इसमें दलित आदिवासी अति पिछड़े परिवार के लोग जेल में ठूस दिए गए हैं, लाखों लोग। इस परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? तो माए बहने किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, पेट पालेंगी? तो ये जो अवैध 10,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, सरकार जो वाही कर रही है शराबबंदी के नाम पर, माने में सब जगह पकड़ाता है, इसमें गरीब गुरबों को प्रताड़ित किया जाता है और अमीर के लोग बैठ कर मैनोसी और शराब पीने का काम करते हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और तेजस्वी यादव जी करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँ कि 46.6% जो बेरोजगारी है बिहार में, देश के अंदर सबसे ज्यादा, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसी स्थिति को बदलने के लिए तेजस्वी जी ने कहा है कि 10 लाख नौकरी भी रोज के मुंह में जीरा का फोरन होगा, क्योंकि आबादी 11-12 करोड़ है। इसलिए जितने लोग बेरोजगार रह जाएंगे इसके बावजूद, तो इसको हम 1500 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने जा रहे हैं। सामने बहुत संक्षेप में मैं यह बताऊं कि चौधरी चरण सिंह जी जो आपकी समस्तीपुर की धरती पर आए थे और कर्पूरी ठाकुर जी के घर में जब प्रवेश कर रहे थे तो उनका सर टकरा गया छोटे दरवाजे में और उन्होंने कहा, कर्पूरी तुम अपना घर क्यों नहीं बनवाते हो? कर्पूरी ठाकुर जी ने जवाब दिया था, एक मेरे घर बन जाने से क्या होगा जबकि लाखों परिवार यहाँ पर बेघर है। आज आप देखिए पटना में फल मार्केट, सब्जी मार्केट चढ़वा दिया गया, दूध मार्केट चढ़वा दिया गया। तेजस्वी जी ने कहा है कि जो भी बेघर परिवार है, जो भी बेसहारा परिवार है, उनको हम खुश खुशमिल जमीन देकर उनको बसाने का काम करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा है कि प्रसव सहयोग की जो राशि 1400 है उसको बढ़ाकर हम 4000 करने जा रहे हैं। वृद्धा पेंशन 400 से 1000 करने जा रहे हैं। आशा कर्मी का जो मेहनताना 1000 उसको बढ़ाकर 4000 करने जा रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका को जो 4500 मिलता है उसमें परिवार कैसे चलेगा उसको बढ़ाकर 8000 कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सहायिका को मेहनताना जो 3700 है उसको बढ़ाकर हम 7000 करेंगे और जो रसोईया है मध्यान्ह भोजन बनाते हैं उसका 1200 से बढ़ाकर तेजस्वी यादव जी 3500 करने जा रहे हैं। इसलिए इस देश के सबसे ईमानदार नेताओं में से एक जिन्होंने सड़क निर्माण विभाग का मंत्री आते हुए मात्र 20 महीने में 5000 किलोमीटर सड़कें बनवाने का काम किया, हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है। किसी भी राज्य के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने इतने कम समय में सड़कों का इस पैमाने पर जाल नहीं बिछाया। आप मौका दीजिए तेजस्वी जी को, यहाँ से शाहीन जी को जिताकर लालटेन छाप पर बटन दबाकर उनको भारी मतों से जिताकर उनको बिहार विधानसभा भेजिए। शाहीन जी जब वहाँ से मेरे होंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे। बहुत शुक्रिया। इंसान जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद, सामाजिक समरसता और समानता जिंदाबाद, यहाँ का कोई नाना जिंदाबाद और समस्तीपुर की महान जनता जिंदाबाद, राम रामी जिंदाबाद, नारायण सोनी जिंदाबाद, रूपांतर लक्ष्मी जिंदाबाद, कांग्रेस राजा जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, महागठबंधन जिंदाबाद, लालटेन साहब जिंदाबाद और शाहीन जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया।